हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कामरान द एजुकेटर। आज की वीडियो में हम आपको उर्दू सेकेंड क्लास का और ऑल सब्जेक्ट्स का यहाँ पे सुमेटिव असेसमेंट का एग्जामिनेशन में क्या पढ़ना है आपको वो बताएंगे। एनुअल एग्जामिनेशन जो होता है सेकेंड क्लास का, सुमेटिव असेसमेंट सेकेंड बोलते हैं इसको, तो ये स्टेट स्टूडेंट्स के लिए है। तेलंगाना हैदराबाद में जो भी स्टेट सिलेबस पढ़ना चाह रहे हो उनके लिए है, CBSE और ICSE सिलेबस नहीं है ये वीडियो में, ठीक है। तो पहले उर्दू से शुरू करते हैं। सेकेंड क्लास का जो उर्दू में आपको क्या पढ़ना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट बीट है, आप नोट डाउन कर सकते हैं ट्यूशन की बुक में, या तो आप घर में पढ़ सकते हैं जिसको उर्दू आती है, या नहीं तो आप जो है कहीं पे ट्यूशन लेके भी पढ़ सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट बीट और सेकेंड बीट आपको बता दिया हूं मैं, यहाँ पे सेकेंड बीट का सवाल जवाब पूरा है। आप ये एक कोई ट्यूशन की बुक में या नोटबुक में आप सेपरेट कर ले सकते हैं। यहाँ पे फोर्थ बीट दी गई है, आप ये भी नोट डाउन कर सकते हैं। उर्दू का सब्जेक्ट है सेकेंड क्लास का, एनुअल एग्जामिनेशन के लिए आप पढ़ सकते हैं। जो भी लॉकडाउन में घर में बैठे हुए हैं या स्कूल में हैं, तो आप स्कूल में अगर सिलेबस आपको नहीं दिया जा रहा है तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। सेकेंड क्लास स्टूडेंट्स के लिए है उर्दू का। टोटल सेवेंथ बीट से देखिए यहां पे खत्म है, यहां पे उर्दू का ये खत्म हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं तेलुगु का सुमेटिव असेसमेंट दिया गया है सेकेंड क्लास सेकेंड स्टडी मटेरियल सब्जेक्ट तेलुगु। तेलुगु की आप यहां पे नोट डाउन कर सकते हैं, तेलुगु का पोर्शन आपको पढ़ना है। जो भी सेकेंड क्लास के स्टूडेंट्स है उनको ये पढ़ना है। थर्ड बीट आप नोट डाउन कर सकते हैं, गुनिन तमलु दिया गया है। नेक्स्ट बीट आप देख सकते हैं सेकेंड क्लास स्टूडेंट्स के लिए है, तेलुगु का पोर्शन बता रहा हूं, सुमेटिव असेसमेंट का सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट बीट आप देख सकते हैं, मीनिंग्स दिया गया है। नेक्स्ट सेवेंथ बीट में आ जाते हैं, सेवेंथ बीट में आपको देखिए क्वेश्चन आंसर्स पढ़ना है। किंदी विनियलो प्रश्नलकु सरैन समाधानलतो पोचिसु यायमु, यहां पे क्वेश्चन आंसर्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट एट बीट आप देख सकते हैं, किंदी भाषलनु पर्यापामु, बहुत इजी बीट है, नोट डाउन कर लीजिए आप एक बुक में, फिर उसके बाद पढ़ ले सकते हैं आप, या तो ट्यूशन में पढ़ सकते हैं या आप घर में पढ़ सकते हैं अगर आपको तेलुगु उर्दू आती है तो। नेक्स्ट बीट नाइन्थ बीट आप देख लीजिए, यहाँ पे वचनलु लगाना है। नेक्स्ट बीट मैच द फॉलोइंग है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम कंप्यूटर की। अगर आपका सेकेंड क्लास में जो है सुमेटिव सेकेंड क्लास में अगर आपको कंप्यूटर है तो आप कंप्यूटर में ये पढ़ ले सकते हैं सुमेटिव असेसमेंट जिसको एनुअल एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द फोर मेन पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर है, व्हाट फ्लॉपी डिस्क एंड CD रूम्स यूज्ड फॉर, व्हाट इज, आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए व्हाट इज प्रोसेसिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए कंप्यूटर,
What is the secondary memory of a computer? Name any two secondary storage devices. How do computer helps in publishing? What steps do we follow to shut down a computer? Define the keyboard of a computer. What is the use of the scroll wheel on the scroll mouse? What is a mouse? What are the three types of mouse devices? What is the use of paint program for children? What is UPS? How does it help computer? अभी यहाँ पे कंप्यूटर का और दिया गया है, देखिए 12th वाला भी है. What is the input of a computer? Next second bit आप देख सकते हैं, fill in the blanks दिया गया है. नेक्स्ट थर्ड बिट नोट डाउन कर सकते हैं आप, राइट ट्रू और फॉल्स दिया गया है. फोर्थ बिट टिक राइट द राइट वर्ड दिया गया है. नेक्स्ट इंग्लिश में आ जाते हैं, इंग्लिश का सुमेटिव असेसमेंट सेकेंड. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दिया गया है. फर्स्ट वन आप देख सकते हैं, वॉज रामाया हॉनेस्ट और नॉट? हाउ कैन यू से दैट? What do you think Ravi did with his gifts? What did Aditya promise his mother? Fourth question, do you think Aditya was a careless boy? What did the parrot say about the elephant? Why did the little elephant think that he was going to die? Seventh question, aap padh le sakte, describe an igloo. How do Eskimos hunt a seal? Second class ka English ka summative assessment second hai, jisko annual examination bhi bolte hai. नाइन्थ क्वेश्चन, राइट एटलीस्ट थ्री वेज विच यूर लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एस्किमोस. डिड द सन्स फाइंड एनी ट्रेजल्स इन द फील्ड आफ्टर डिगिंग? इंग्लिश का ही बता रहा हूं मैं आपको. नेक्स्ट इलेवेंथ क्वेश्चन, वॉट वॉज रामाया डूइंग नियर द लेक? वॉट वॉज द सेकेंड एक्स मेड ऑफ? वॉट वॉज आदित्य फाउंड ऑफ? What did the big elephant say to make the small elephant happy? What does the word Eskimo means? Next second bit आप note down कर सकते हैं, fill in the blanks से with ing लगाना है, forms of words आपको लगाना है. जैसे कि the sun is shining in the sky, shine दिया गया है, आपको shining mention करना है, ing लगाना है. Third bit आप note down कर सकते हैं, write the opposite words of the for the following. ये आप एक notebook में लिख लेके पढ़ लीजिए, या नहीं तो आप phone से भी पढ़ सकते हैं video से. Fourth bit match the homophones है. स्टोरी जैसे आवाज आती है वही आपको साउंड से लगाना है, जैसे कि स्टोरी का आता है सी स्टोरी, सीरियल सेम आवाज आती है सीरियल बी सीरियल. देखिए होमोफोन्स का मतलब भी होता है साउंड प्रोनाउंसिएशन के ऊपर आता है. फिफ्थ बिट आप देख सकते हैं, अरेंज द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. तो पहले जो है ईंट लगती है, ब्रिक लगती है, उसके बाद सीमेंट की जरूरी है, उसके बाद मीट है, उसके बाद रोड है. तो ये आपको फिफ्थ बिट देख लीजिए, समझे तो बहुत आसान है. नेक्स्ट सिक्स्थ बिट आप नोट डाउन कर सकते हैं, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग द नॉन्स इन द सेकेंड सेंटेंसेस इनटू प्रोनाउन. जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपको पूजा इज इन क्लास फिफ्थ, पूजा इज वेरी इंटेलिजेंट दिया गया है, आपको आंसर कैसा लिखना है? पूजा इज इन क्लास फिफ्थ, शी इज वेरी इंटेलिजेंट. आपको फिर से नाम मेंशन नहीं करना है, ठीक है? सिक्स्थ बिट जरा अच्छी तरीके से समझ लीजिए, rewrite the following sentence, मतलब फिर से आपको लिखना है same sentence, changing the nouns in the second sentence into pronouns. Noun किसको बोलते हैं? कोई name of the person, name of the thing को बोलते हैं. कोई भी चीज का name रहा उसको noun बोलते हैं. वो चीज को आपको pronoun में convert करना है. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, second one, India क्या है? Noun है. India is our motherland. India is very big country. तो यहाँ पे देखिए इसका answer कैसा दिया गया है, इंडिया इज अवर मदर लैंड, इट इज वेरी बिग कंट्री. तो इट इज लगा दिया गया है, प्रोनाउन बदल दिया, नाउन जो होता है, नाम जो होता है, उसको हम प्रोनाउन में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है? लुक एट दिस फ्लावर्स, दिस फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल. लुक एट दिस फ्लावर्स, दे आर ब्यूटिफुल. दे क्या है? प्रोनाउन है. दिस क्या है? नाउन है. तो दिस को हम दे में कन्वर्ट कर दिए, प्रोनाउन में कन्वर्ट कर दिए. समझ में आ गया है आपको? नेक्स्ट सेवेंथ बिट देख लीजिए, राइट हैज और हैव इन द ब्लैंक. ये आपको मेंशन करना है. जैसे कि ये जिराफी डैश है लॉन्ग नेक, ये जिराफी हैव एन नहीं बोल सकते, हैज ए लॉन्ग नेक. द फिश हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडीज. तो ये आपको पढ़ लेना है, बहुत ही इजी है, नोट डाउन कर लीजिए. सेकंड क्लास का इंग्लिश का सिलेबस है ये, सोमेटिव असेसमेंट सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन. एट बिट आप नोट डाउन कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन और द.
इसको आर्टिकल्स भी बोलते हैं, जैसे कि ऑलवेज हेल्प डैश पुअर मैन, एन पुअर मैन नहीं आता है, दा भी नहीं आता है, ए आता है, ऑलवेज हेल्प ए पुअर मैन, द डैश ताजमहल इज इन आगरा, ए ताजमहल नहीं आता है, एन ताजमहल भी नहीं आता है, द ताजमहल इज इन आगरा आता है। तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, एट्थ बिट फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट नाइन्थ बिट आप देख लीजिए, राइट द सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ब, वर्ब के हिसाब से आपको सेंटेंस मेकिंग करना है। जैसे कि वेक हो गया, तो अमित वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको सेंटेंस बनाना है। वर्ब दिए गए हैं आपको एट, उससे आपको सेंटेंस बना लेना है। जैसे कि सिट दिया गया है, द गर्ल सिट इन द क्लासरूम। वर्क, माई फादर वर्क इज इन ऑफिस। फोर्थ वन आप देख सकते हैं, स्वीट दिया गया है, आई लाइक स्वीट अलॉट। नेक्स्ट फ्लाई दिया गया है, बर्ड्स कैन फ्लाई आपको मेंशन करना है। टेंथ में आप बिट देख सकते हैं, आप सर्कल द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस दिया गया है। जो भी एडवर्ब होते हैं, जैसे कि एडवर्ब में वाई बहुत जरूरी है, वाई आता है, डबल एल भी आता है, जैसे कि शी सिंग स्वीटली, शी गोज फॉर ए वॉक डेली। तो स्वीटली जो है वो एडवर्ब है, डेली जो है वो भी एडवर्ब है, लाउडली, वेल, नाइसली, ये भी पूरे एडवर्ब है। नेक्स्ट इलेवेंथ बिट आप नोट डाउन कर सकते हैं, राइट ए पैराग्राफ ऑन द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट के बारे में यहाँ पे डिटेल्स दी गई है, इसके बारे में आपको पूरा और डिटेल भर के पैराग्राफ लिखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लास सेकेंड का सुमेटिव असेसमेंट, मैक्स के बारे में आपको बता देता हूँ। मैक्स का यहाँ पे दिया गया है, देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। 143 पीपल लिव इन टायास अपार्टमेंट एंड 277 पीपल फाई इन रियास। हाउ मेनी पीपल लिव इन बोथ द अपार्टमेंट्स। दोनों को आपको एडिशन करना है और आंसर डाल देना है। देखिए बहुत ही ईजी है, सेकेंड क्लास का मैक्स का बता रहा हूँ, एनुअल एग्जामिनेशन सुमेटिव असेसमेंट। आप एक नोटबुक में भी लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं घर बैठे। देर आर 147 हाउसेज ऑन वन साइड ऑफ ए स्ट्रीट एंड 96 हाउसेज ऑन द अदर। विच साइड हैज मोर हाउसेज। नंबर ऑफ हाउसेज ऑन वन साइड इज 147, 96। दोनों को माइनस करना है आपको। जब आप दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बिट, थर्ड बिट देख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन। इफ थ्री चेयर्स वन प्लेस्ड इन वन रो, मेनी रोज कैन 24 चेयर्स बी प्लेस्ड। तो आपको 3 को 24 से डिवाइड करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ बिट आप देख लीजिए, देर आर 42 फ्लावर्स टू बी अरेंज इन 6 वेसेस, हाउ मेनी फ्लावर्स विल बी अरेंज इन ईच वर्स। आपको 42 को 6 से डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसको भी प्लस करना है, आकाश बॉट सम बिस्किट फॉर रुपीज 15 एंड चॉकलेट फॉर रुपीज 26, हाउ मच डिड ही स्पेंड। दोनों को प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन देख लीजिए, मिस्टर शर्मा बॉट ब्रेड फॉर रुपीज 17 एंड जैम फॉर रुपीज 55, हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल। दोनों को प्लस कर देना है, आपका स्पेंड मनी कितना है उनका आ जाएगा शर्मा का, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, डिवाइड करना है आपको। ए टीचर हैज 56 स्टार्स, शी गिव 7 स्टार्स ईच टू ए फ्यू स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स रिसीव द स्टार्स। आपको 56 को 7 से डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। एट्थ क्वेश्चन भी वही, डिवाइड माइनस करना है आपको, डिवाइड से ही जाना है। ऑन ए मेरी गो राउंड 4 पीपल कैन सिट इन ए कार, हाउ मेनी कार्स आर नीडेड टू सिट 24 पीपल। तो 4 को 24 से करिए, 4 6 24 आ जाता है, आंसर आपको आ जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट नाइन्थ वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ए शॉपकीपर हैड 692 बल्ब्स, 346 ऑफ देम वेर ब्रोकन, हाउ मेनी गुड बल्ब्स डिड ही शॉपकीपर हैव। टोटल नंबर ऑफ बल्ब डाल दीजिए 692, उसके बाद 346 डाल दीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, 346 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टेंथ क्वेश्चन देख लीजिए, देर वेर 256 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, इफ 101 स्टूडेंट्स लेफ्ट हाउ मेनी रिमेन। तो यहाँ पे 256 स्टूडेंट्स डाल दीजिए स्कूल के, फिर दोनों को माइनस कर दीजिए, क्योंकि आपको पता लगाना है कि कितने बचे हुए हैं, तो दोनों को माइनस करना ही पड़ेगा, तो 155 आंसर आएगा। डू द फॉलोइंग सम्स, आपको यहाँ पे प्लस करना है। सेकेंड बिट में देख लीजिए, पूरे प्लस के दिए गए हैं, इसमें प्लस और माइनस, सब्ट्रैक्शन और एडिशन दो भी दिया गया है। आप नोट डाउन कर लीजिए कोई बुक में, सेकेंड क्लास का मैथमेटिक्स का एनुअल एग्जामिनेशन का बता रहा हूँ स्टडी मटेरियल, यहाँ से पढ़ सकते हैं आप, सुमेटिव असेसमेंट जिसको बोलते हैं। थर्ड बिट देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर्स। 200 10s 3 1s, यानी कि 1s 10s 100 होता है, तो 1s पहले आएगा,
3 को 1s बोलते हैं, 0 को 10s बोलते हैं, 2 को 100 बोलते हैं। वैसे ही 360 में 0 1s हो गया, 6 10s हो गया, 3 100 हो गया। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। टोटल 10 दिए गए हैं, थर्ड बीट में नोट डाउन कर लीजिए। 4th बीट में टिक द वेट दैट सीम्स टू बी करेक्ट। आपको फोटो दी गई है और उसका वेट सही आपको मेंशन करके डालना है। देखिए, राइट ml फॉर द लिक्विड्स विच आर मेजर इन मिलीमीटर एंड l फॉर द लिक्विड्स विच आर मेजर इन लीटर। इंजेक्शन मिलीलीटर में रहता है, ml में रहता है, मेजर्ड l में रहता है, स्पून ml में रहता है, मेजर l में रहता है, टब l में रहता है। तो ये आपको मेंशन करना है। ड्रॉ द फॉलोइंग लाइन्स, लाइंस दिया गया है, इसके नाम दिए गए, ये आपको बताना है। कर्व लाइंस बोलते हैं इसको, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं इसको, स्लैंटिंग लाइन बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं इसको, स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं इसको, वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए बुक में। नेक्स्ट 7th बिट देख सकते हैं आप। ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक टू शो गिवन टाइम गिवन। तो आपको क्लॉक उतारना है, क्या टाइम बता रहा है वो क्लॉक आपको वैसे ही उतारना है। नेक्स्ट 8th बिट देख लीजिए। राइट द टाइम शोन बाई क्लॉक। 7:30 दिया गया है फर्स्ट में, सेकेंड में 6:15, थर्ड में 7:55, ये आपको टाइम मेंशन करना है। 9th बिट नोट डाउन कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली, वी वेयर वुलन क्लॉथ्स डैश सीजन विंटर। तो आपको ये लिखना है। 10th बिट, राइट द मंथ ऑफ द ईयर। मंथ्स आपको लिखना है पूरे ईयर के, जनवरी से दिसंबर तक। तो ये मैथमेटिक्स का सिलेबस आपको कंप्लीट हो गया है। क्लास सेकेंड के लिए एनुअल एग्जामिनेशन का बताया हूँ मैंने, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है साइंस का बताऊंगा और दूसरे सब्जेक्ट्स जो भी बचे वो बताऊंगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। जय हिंद।